दो बकरियां थीं, एक काली बकरी एक भूरी बकरी। गांव के पास एक नाला था, नाले के दोनों तरफ हरी हरी घास थी। दोनों बकरियां वहां घास चरने जाती थीं। नाले पर एक पेड़ गिर गया था, इससे नाले पर एक पुल सा बन गया। पुल पर से होकर बकरियां नाले के एक तरफ से दूसरी तरफ आया जाया करती थी। एक दिन की बात है बच्चों, भूरी बकरी बोली, नाले के दूसरी तरफ चलकर वहाँ के हरी हरी घास खाती हूँ, बहुत मजा आएगा। काली बकरी ने थोड़ी देर बाद सोचा, अब नाले के दूसरी ओर की घास खाकर देखती हूँ। नाला पार करना था, दोनों बकरियां पुल पर से चल दीं। पुल बहुत पतला था, उस पर से एक ही बकरी जा सकती थी। जब दोनों बकरियां पुल के बीच में पहुंच गईं, तो सोचने लगी कि अब क्या करें। भूरी बकरी बोली, बहन क्या करें, हम दोनों एक साथ तो नहीं जा सकती। मैं बैठ जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से निकल जाओ। काली बकरी ने कुछ सोचा और खुद बैठ गई। काली बकरी बोली, मैं बैठ जाती हूँ, पहले तुम क्यों नहीं निकल जाती। भूरी बकरी ने धीरे से पांव रखे और काली बकरी के ऊपर से दूसरी ओर कूद गई। काली बकरी उठकर खड़ी हो गई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। भूरी बकरी बोली, शुक्रिया बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। काली बकरी बोली, बहन सोच समझकर और मिलकर काम करने से काम आसान हो जाता है। तो बच्चों, अगर दोनों बकरियां सोच समझकर काम न करती तो क्या होता, पुल पार नहीं कर पाती ना। मिलकर एक दूसरे की मदद करने से दोनों का काम बन गया, ठीक है ना।